खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सब सीनियर नेता, एमएलएज, भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। थोड़ी रैली लेट चल रही है, 2-3 घंटे लेट चल रही है, आपको यहां थोड़ा ठहरना पड़ा, इसके लिए आपसे मैं स्वयं माफी मांगता हूं। आपका मूड कैसा है? यहां पे आदिवासी भाई बहन आज ज्यादा आए हैं, तो थोड़ी सी मैं आपकी बात करना चाहता हूं। कुछ समय पहले किसी ने मुझे मोबाइल फोन पे एक वीडियो भेजा, मध्य प्रदेश का कोई नेता था, मुझे वीडियो भेजा, मैंने वीडियो को प्ले किया, प्ले दबाया और उस वीडियो में एक बीजेपी का नेता आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था और मैंने सोचा ये कैसी सोच है कि बीजेपी का एक नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है और दूसरी साइड उसका कोई चमचा वीडियो ले रहा है। और वो वीडियो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में वायरल हुआ, शायद वो देश के बाहर भी गया होगा। ये है विचारधारा बीजेपी की, सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब पिछड़ों के साथ, जहां भी ये कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं ये करते हैं। कुछ समय पहले इनके एक भाषण में मैंने सुना आदिवासियों को इन्होंने वनवासी कहना शुरू कर दिया। अब पता नहीं आप में से आप यहां युवा बैठे हैं, आप शायद कहो भाई इन दो शब्दों में क्या फर्क है, आदिवासी में और वनवासी में क्या बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब वो व्यक्ति जो इस जमीन का सबसे पहला मालिक था, ये लोग आपको बताते नहीं है मगर ऐसा समय था जब इस देश में, पूरे देश में आदिवासी लोग रहते थे। आप देश के पहले मालिक हो और ये आपको
आदिवासी नहीं कहना चाहते, क्योंकि अगर ये आपको आदिवासी कहेंगे तो इन्हें आपको जंगल, जल और जमीन का हक देना पड़ेगा, क्योंकि आप कहोगे मोदी जी, शिवराज जी, हम आदिवासी हैं। आदिवासी शब्द का मतलब है कि हम हिंदुस्तान के सबसे पहले मालिक हैं, ये जल, ये जंगल, ये जमीन हमारी थी और आप आज आपको जल, जमीन और जंगल का अधिकार हमें देना पड़ेगा। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। आदिवासी हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक, वनवासी वो जंगली लोग जो जंगल में रहते हैं। इससे बड़ा आपका अपमान नहीं हो सकता। आप वनवासी नहीं हो, आप हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हो। और इस बात को समझकर, इस बात को मानकर कांग्रेस पार्टी ने ट्राइबल बिल दिया, जमीन अधिकरण बिल दिया, पैसा कानून दिया, आपकी जमीन आपको वापस दी, जंगल में आपको हक दिया। क्यों? क्योंकि हम आपको आदिवासी मानते हैं। उनका कहना है कि भाई आप वनवासी हो, आप जंगल में रहो, आपको ना हम जंगल का हक देंगे, ना जल देंगे, ना जमीन देंगे, और आस्ते आस्ते आपसे जंगल भी छीनते जाएंगे। और फिर एक दिन आएगा जब हिंदुस्तान में आपको जंगल नहीं दिखेगा, फिर वो आपसे कहेंगे भैया आप वनवासी हो मगर वन तो है ही नहीं, खत्म हो गया, तो जाओ मजदूरी करो, भीख मांगो, भूखे मरो। ये इन दो शब्दों के बीच में फर्क है। अब आपकी आबादी हिंदुस्तान में तकरीबन 8% है, यह नंबर याद रखिए। जीतू जी, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी कितनी है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आपकी 22% है, 24%, 24%, और हिंदुस्तान में आपकी आबादी 8% है। अब आप एक काम कीजिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए। चाहते हो मैं आपको दे दूंगा, और उनके मालिकों के नाम पढ़िए। 200 मालिकों में से आपको एक मालिक आदिवासी वर्ग का नहीं मिलेगा। फिर मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, ये बड़े बड़े जो एंकर हैं इनकी लिस्ट निकालिए। उस लिस्ट में आपको एक आदिवासी नाम नहीं मिलने वाला है। सही बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं ना? हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, पूरा का पूरा बजट ये बांटते हैं।
डिफेंस में कितना जाता है, आपके बच्चों की शिक्षा में कितना जाता है, मनरेगा में कितना जाता है, स्वास्थ्य में कितना जाता है, ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। बड़े बड़े ऑफिसों में बैठते हैं, दिल्ली में मंत्रिमंडलों में बैठते हैं, और आपका पैसा, जीएसटी का पैसा जो आप देते हो, आप जो सिर हिला रहे हैं, आपने शर्ट खरीदी 18% आपने दिया, अदानी वही शर्ट खरीदता तो वो भी 18% देता, तो आपका पैसा है। 90 में से एक अफसर आदिवासी, एक, और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है बजट में, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे, आपके बच्चे स्कूल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको पैसा देना पड़ता है, लाखों रुपए लगते हैं, लगते हैं ना। प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मालिकों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा। चोट लगती है, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, लाखों रुपए चले जाते हैं, सरकार उनको जमीन देती है प्राइवेट अस्पतालों को फ्री में। किसकी जमीन? आपकी जमीन। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, उसमें आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक मालिक नहीं मिलेगा। ये आपकी सच्चाई है, इसमें आप अकेले नहीं हो। जो आपके साथ हो रहा है वो दलित वर्ग के साथ भी हो रहा है, जो उनके साथ हो रहा है वो पिछड़ों के साथ भी हो रहा है, वो गरीब जनरल कास्ट के साथ भी हो रहा है। एक दो परसेंट लोग हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का कब्जा कर लिया है। अदानी जी यहां आपकी जमीन छीनते हैं, हिमाचल में सेब का बिजनेस करते हैं, मुंबई का एयरपोर्ट चलाते हैं, हिंदुस्तान के सारे पोर्ट्स उनके हाथ में, माइनिंग करते हैं, फूड स्टोरेज का बिजनेस करते हैं, सारा का सारा वही करते हैं, और आप देखते ही रह जाते हो। आप स्कूल कॉलेज का पैसा देते हो, रोजगार मिलने का टाइम आता है, आपसे कहते भैया रोजगार तो है ही नहीं, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आपको सर्टिफिकेट मिल गया, 5 लाख रुपए आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज को दे दी, मगर रोजगार आपको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे छोटे बिजनेसेस को नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया, नोटबंदी की, जीएसटी की, और सारे के सारे छोटे जो व्यापारी हैं, स्मॉल मीडियम बिजनेस, वो बंद हो गए। पूरा का पूरा काम 2-3 अरबपतियों के लिए हो रहा है। आपकी जमीन भी वो ले जाते हैं, पानी भी वो ले जाते हैं, जंगल भी उठा के ले जाते हैं। तो ये बदलना है। सबसे पहला कदम जाति जनगणना, जिससे सबको पता लग जाएगा इस देश में किसकी आबादी कितनी है, आदिवासी कितने हैं, उनके पास कितना धन है,
कितनी संस्थाओं पर उनका कंट्रोल है, दलित कितने हैं, कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर कंट्रोल है, पिछड़े कितने हैं, कितना धन है, कितनी संस्थाओं पर कंट्रोल है, साफ आपके सामने आ जाएगा। क्रांतिकारी कदम है, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, उतना बड़ा कदम है ये। और ये जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम ये करके दे देंगे आपको। तो हम चाहते हैं कि इस देश में सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, किसानों के साथ न्याय हो। किसानों का उदाहरण देता हूं आपको, हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी है, एमएसपी चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बीजेपी की सरकार कहती है हम आपको एमएसपी नहीं देंगे। सौ अरब पतियों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया, मतलब 24 साल मनरेगा का पैसा उन्होंने 100 रुपए 100 लोगों का माफ कर दिया, और किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते, किसानों को एमएसपी नहीं दे सकते। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी, कानून बना देंगे कि इससे कम पैसे के लिए उनको मिनिमम इतना पैसा मिलेगा, कानून बना देंगे उठाकर। तो यह हम आपके लिए करना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ यहां कहने आया हूं कि आप हमारा समर्थन करते हो, आप हमारे साथ खड़े होते हो, हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी आप हमसे चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई हमारी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे, और आपका जो हक है वो आपको दिलवाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।